दोस्तों ये है आपके लिए एक और बढ़िया वीडियो जिसके अंदर आज मैं बात करने वाला हूँ पांच ऐसे ईयरबड जो आप 1500 रुपए के अंदर ले पाओगे। हमारे पास बहुत सारे ईयरबड्स हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 ईयरबड्स की जो आप ले पाओगे 1500 रुपए के अंदर। अब देखो इतने सारे ईयरबड्स हैं लेकिन इसमें से मैंने चूज करे हैं सिर्फ 5, इनकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड इन सभी ईयरबड्स के जो माइक्रोफोन का आउटपुट है ना वो मैंने लास्ट में डाल रखा है, तो जरूर वहां पर आके आप चेक कर सकते हो ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि माइक्रोफोन किसका बेस्ट है। तो गाइस नंबर 5 से स्टार्ट करता हूं, नंबर 1 तक जाएंगे तो सबसे जो पहले हमने चूज करा है ना यानी कि नंबर 5 पे, ये है बोट का अल्फा मॉडल। अब ये जो ईयरबड्स है ना भाई, अगर आप देख रहे हो ना 1000 रुपए के नीचे को ईयरबड्स जो कि हाफ इन ईयर हो, मतलब जिनके कानों के अंदर वो रबर वाले फिट नहीं आते ना, जिनको वो प्लास्टिक वाले ज्यादा बढ़िया तरीके से फिट आते हैं, उनके लिए बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी इसकी बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर ना आपको लुक एंड बिल्ड डिजाइन बहुत क्यूट और बहुत छोटे से लगेंगे और है भी आपकी पॉकेट में बहुत इजीली तरीके से फिट हो जाएंगे, कानों में भी बहुत अच्छी तरीके से फिट होते हैं और साथ में जो पैकेज आता है ना, मतलब जो फीचर्स का, वो भी अमेजिंग है। यहाँ पर आपको 35 घंटे का बैटरी बैकअप है, ईयरबड्स की बैटरी 3 से 4 घंटे आराम से चल जाती है, टच कंट्रोल आते हैं, यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है, साथ में यहाँ पर आपको 13 mm के ऑडियो ड्राइवर दे रखे हैं, साथ में गेमिंग मोड डाल रखा है इसके अंदर भाई, इतने छोटे से हैं और यहाँ पर आपको 60 ms की लो लेटेंसी मिल जाती है और यहां पर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देगा, टाइप सी के साथ आते हैं तो झट से मतलब 5 मिनट लगा और 60 मिनट का मतलब 1 घंटे का आप आउटपुट ले सकते हो इससे। अच्छा यहां पर ना आपको ड्यूल माइक्रोफोन का आउटपुट भी मिला था और यहां पर ना अगर आपको माइक्रोफोन सुनना है तो लास्ट में मैंने सभी ईयरबड्स के जो माइक्रोफोन है वो डाल रखे हैं तो आप आराम से सुन पाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑडियो क्वालिटी की तो यहां पर भाई ऑडियो क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया मिलती है, मतलब मैं सोच रहा था कि 1000 रुपए के अंदर शायद बोट ने थोड़ा सा मतलब मजाक कर दिया होगा, लेकिन डेफिनेटली भाई हाफ इन ईयर के हिसाब से बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी यहां पर मिलती है, जहां पर आपको वोकल्स काफी सही मिल जाएंगे और बेस क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाएगी इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। इवन यहां पर ना अगर आप 100% पे भी सुनते हो ना ऑडियो को तो कोई चुभने या फिर कोई फटने जैसी जो आवाज है ना या फिर हाई वॉल्यूम जैसी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। साथ में काफी लोग पूछते हैं क्या जिम वगैरह के अंदर इन ईयरबड्स को यूज कर सकते हैं, तो हाँ IPX5 की रेटिंग भी आती है और जैसे मैंने बताया था प्राइसिंग है सिर्फ 999, इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके बाय कर सकते हो। गाइस बात करते हैं चौथे नंबर पे जो मैंने ईयरबड्स रखे हैं, ये है नॉइस के VS401। अब ये जो ईयरबड्स है ना भाई मेरे को बहुत सही लगे थे क्योंकि इनकी जो बिल्ड डिजाइन थी ना वो बहुत अच्छी थी, इवन जो कलर कॉम्बिनेशन के अंदर यूज करके थे वो भी काफी बढ़िया लगे थे। अब यहां पर एक चीज बता दूं, यहां पर जो फीचर्स है ना वो भी अगर आप देखोगे ना प्राइसिंग के हिसाब से तो डेफिनेटली आपको पसंद आ जाएंगे। सबसे पहले बात करूं तो यहां पर आपको जो बैटरी बैकअप मिलता है वो मिलता है यहां पर आपको 50 आवर्स का, साथ में यहां पर आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है यानी कि 10 मिनट में 200 मिनट का आउटपुट आप आराम से ले पाओगे, बहुत कूल। यहां पर अगर आप देखोगे ना तो भाई जो कलर था ना भाई मुझे बहुत पसंद आया था, ये जो लाइट पर्पल वाला जो कलर था ना अमेजिंग था। साथ में यहां पर आपको कनेक्टिविटी बहुत सही थी, मतलब ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी, साथ में हाइपर सिंक मोड, जैसे आप लिड खोलते हो आपके फोन के साथ जल्दी से पेयर हो जाते हैं। और यहां पर अगर बात करूं तो IPX5 की रेटिंग आती है जिसकी वजह से अगर आप जिम वगैरह में यूज करना चाहते हो, आउटडोर में अगर हल्की फुल्की मतलब बारिश हो रही है या फिर पसीना आ रहा है आपको तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आराम से झील जाएंगे। साथ में माइक्रोफोन का जो आउटपुट है ना मैंने लास्ट में डाल रखा है वो आप सुन पाओगे, लेकिन ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करूं तो यहां पर ऑडियो क्वालिटी 1 of the best तो नहीं है लेकिन हाँ काफी सही मिल जाती है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, जहां पर आपको एक कॉम्बो मिल जाता है, जहां पर आपको माइक्रोफोन या फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी फिटिंग, इसके अंदर आपको गेमिंग मोड मिल जाता है, तो भाई इसका जो कॉम्बिनेशन था ना उसके हिसाब से भाई काफी सारी चीजें सही मिल जाती है। और यहां पर जो प्राइस मिलता है ना वो भी काफी बढ़िया था, 1399 रुपए के अंदर अभी मिल रहे हैं और 1500 रुपए के नीचे, तो डेफिनेटली अगर आपका मन है भाई ऐसे ईयरबड्स लेने का तो जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। गाइस थर्ड नंबर पे जो हमने ईयरबड्स रखे ना और भाई वहां पर बहुत कंफ्यूजन है, मैंने बहुत सारे ईयरबड टेस्ट करे, बोट का 121 टेस्ट करा हमने, बोट का 161, 170, इवन 181 और उसके बाद 141 न्यू। और यहां पर ना भाई मैंने एक चीज नोटिस करी कि भाई आपको बहुत सारी चीजें सिमिलर है इन सभी ईयरबड्स के अंदर और कंफ्यूजन बहुत सारी है 1500 रुपए के अंदर कौन से ले। यहां पर मैंने 2 ईयरबड्स मंगाए थे इसी में से, 161 प्रो करके और दूसरा जो ईयरबड था ना ये भी बोट का ही था, ये है बोट का 141 न्यू, मुझे काफी बढ़िया लग रहे थे लेकिन इसमें से भी मैंने एक चूज करा है और यहां पर मैंने 141 न्यू को चूज करा है, मुझे काफी बढ़िया लगी इसकी जो बिल्ड डिजाइन, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी थी, उनकी बात करते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी बिल्ड डिजाइन की तो भाई ये व्हाइट करिश्मा कलर कुछ बोला हुआ था ऐसा कुछ कलर यहां पर मिल जाता है और ऊपर ये ट्रांसपेरेंट सा है और यहां पर अगर आप देखोगे तो बोट की ब्रांडिंग है, काफी नाइस लुक एंड बिल्ड है ना वो मिल जाती है, कुछ कुछ रियलमी जैसे मतलब लुक्स करते हैं ये। और इसके साथ साथ अगर मैं ईयरबड्स की बात करूं तो ये भी काफी कूल डिजाइन के साथ आते हैं और थोड़ी चमक धमक सी इसके अंदर डाल रखी है, फिटिंग अच्छी है नो डाउट, लेकिन
थोड़े से मतलब लंबे ज्यादा है, जो स्टेम डिजाइन है उसका थोड़ा सा लंबा ज्यादा है, मतलब ये दिक्कत रहेगी। हाँ लाइट वेट काफी ज्यादा है, लेकिन बाकी फीचर्स वाइज भी ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर आपको कम मिलता है कुछ। 50 घंटे का बैटरी बैकअप है, साथ में 10 मिनट के अंदर 120 मिनट का आउटपुट ये प्रोवाइड करा देंगे। IPX5 की रेटिंग यहाँ पर मिल जाती है, साथ में ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत सही है। और हाँ गेमिंग मोड भी आप मतलब सभी में मिल जाती है, जो 1000-1500 रुपए के अंदर ईयरबड्स आ रहे हैं ना भाई, सभी के अंदर आपको गेमिंग मोड मिल जाता है और ये काम अच्छा कर जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं लगेगी जिस बजट के अंदर आ रहे हैं। साथ में जैसे बताया माइक्रोफोन का आउटपुट आपको एंड में मिल जाएगा भाई, वहां पर सुन पाओगे। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा ऑडियो क्वालिटी की। ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी सही मिल जाएगी, जहां पर आपको ना क्रिस्प और क्लियर जो ऑडियो है वो मिल जाएगा, वोकल्स काफी सही है। और साथ में अगर मैं बात करूं बेस आउटपुट की, तो इनका जो सिग्नेचर ऑडियो होता है ना भाई, वो थोड़ा सा यहाँ से हटता हुआ नजर आ रहा है मुझे, थोड़ा सा बेस कम जरूर है लेकिन बढ़िया आता है। मैं इसमें कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा कि भाई बेस भर भर के है, थोड़ा सा कम जरूर है लेकिन आपको मजा आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ओवर हो रहा है, जो एक्चुअल ऑडियो है गाने के अंदर वो चीज यहाँ पर सुनाई देती है। प्राइसिंग की बात करूं तो भाई 1400 रुपए के अंदर अभी अवेलेबल है, कभी कभी भाई आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, अमेजोन पे शायद मुझे लग रहा है मिल जाएंगे आपको। इस बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो हमने ईयरबड्स रखे हैं उनकी। अब देखो जब भी कोई नया ब्रांड आता है ना ईयरबड्स मार्केट के अंदर, तो भाई ऐसा लगता है कि ये क्या ऑडियो डिलीवर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक टाइम हॉप अप आया था, या फिर अगर बात करो ट्रू की, या फिर पोट्रोनिक्स, चलो उनकी रहने देते हैं, पीट्रॉन वगैरह भी आए थे, साथ में विंग्स करके एक जो ईयरबड था ना वो भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई इस ब्रांड की, ये भी एक नया सा ब्रांड है और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस मैंने मंगाए टेस्ट करे और मुझे लुक बिल्ड डिजाइन बढ़िया लग रही थी, ऑडियो क्वालिटी मैं बताता हूं आपको। तो भाई ये है ट्रिगर के क्रैकन करके, इसकी वीडियोस वैसे देख ली होंगी आप लोगों ने, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके लुक बिल्ड डिजाइन की, भाई क्या चीज है ये, मतलब ओपन करो तो मतलब लाइटें लाइट है, और ये जो लाइटें है ना भाई वो काफी खतरनाक सी है, मतलब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो कुछ अलग ही जो लाइटें है ना भाई वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। आउल जो शेप होती है ना, मतलब आंखें जो होती हैं वो यहाँ पर देखने मिलती हैं, मुझे काफी कूल लगी। अब इनकी बात करते हैं, सबसे पहले इसकी जो लुक बिल्ड डिजाइन है भाई वो मैंने आपको बता दी, प्लास्टिक बिल्ड है वैसे तो, और काफी ठीक ठाक सी है, टाइप सी का इंटरफेस आता है। साथ में अगर बात करूं ईयरबड्स की, तो भाई वो इन ईयर डिजाइन के साथ आता है, उनकी भी डिजाइन बढ़िया लग रही है, जहां पर आपको लाइटें शाइटें सब कुछ मिल जाएगी। और यहां पर अगर मैं एक चीज और नोटिस करूं, तो यहां पर आपको इसके अंदर बैटरी इंडिकेशन मिल जाती है, और ऐसा नहीं है कि वो कम ज्यादा लाइट हो रही है भाई, प्रॉपर यहां पर आपको जो बैटरी इंडिकेशन की वो शो हो रही है। अगर मैं बात करूं भाई इन ईयरबड्स की, तो यहां पर भी फीचर बढ़िया मिल जाते हैं, जैसे कि 40 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग यहां पर दे रखी है, 90 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाते हैं। ये गेमिंग ईयरबड्स है तो भाई गेमिंग तो बनती है, तो यहाँ पर आपको 40 ms की लो लेटेंसी मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक मतलब आउटपुट दे देती है। 40 ms के हिसाब से तो नहीं दे रही, ऑब्वियस ही बात है, ये लगभग 50-55 ms के आसपास आपको आउटपुट दे जाती है। साथ में ये वाले जो ईयरबड्स हैं, ये भी IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं, और यहाँ पर भी आपको क्वाड माइक, ENC, ये सारे फीचर भर भर के आपको दे रखे हैं। बाकी माइक्रोफोन का आउटपुट मैंने डाल दिया भाई लास्ट में, आप सुन सकते हो। और ऑडियो क्वालिटी की बात करें, भाई यहाँ पर ना 10 mm के ऑडियो ड्राइवर मिलते हैं, और भाई जो ऑडियो निकाल के दे रहे हैं, यहाँ पर आपको क्रिस्प ऑडियो मिल जाता है, मतलब वोकल्स काफी सही है। यहाँ पर आपको जो मिड सेक्शन है भाई, वहां पर भी डिटेलिंग सही मिल जाती है, मतलब कुछ भी ओवर नहीं हो रहा। इवन यहाँ पर अगर आप 100% पे सुनते हो ना, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाउड है, लेकिन 90% पे काफी बढ़िया जो ऑडियो क्वालिटी है वो यहाँ पर मिल जाती है। बेस क्वालिटी बहुत बैलेंस मिल जाती है, मतलब आपको कोई चुभने वाला एहसास या फिर कुछ ऐसा नहीं लगेगा ओवर हो रहा है। और जब इसकी प्राइसिंग सुनोगे ना, तो मतलब हैरान हो जाओगे, मतलब ये आपको मिल जाएंगे सिर्फ 999 के अंदर। भाई इसकी जो लुक बिल्ड डिजाइन और इवन जो आउटपुट मिल रहा है ना भाई, बहुत अमेजिंग है, और गेमिंग आउटपुट भी मिल रहा है, तो मैं कहूंगा भाई मस्ट है। अगर आपको कुछ ऐसे अतरंगी से चाहिए ना, तो बाय कर सकते हो, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में। गाइस बात करते हैं नंबर वन पे जो हमने ईयरबड्स रखे हैं, ये हैं रियलमी के टेक लाइफ T100। अब ये जो ईयरबड्स है ना भाई, लगभग एक साल से नंबर वन पे ही आते हैं। अगर आप 1500 रुपए के अंदर कोई भी ईयरबड्स ले रहे हो ना, तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पर ना मतलब एक ऑप्शन और बता दूंगा, अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहे हो ना, तो उसकी जगह ले सकते हो, वरना ये प्रायोरिटी है मेरी कि आप इसकी तरफ जा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको लुक बिल्ड डिजाइन बढ़िया मिलती है, इन ईयर डिजाइन के अंदर ईयरबड्स आते हैं, आपके कानों में काफी बढ़िया तरीके से फिट होती है, और यहाँ पर आपको गूगल पेयरिंग का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से मतलब लीड खोलते ही ना आपके फोन के अंदर आइकन आ जाता है और कनेक्ट करा लो बहुत इजी तरीके से। साथ में यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी फास्ट मिल जाती है, जब गूगल पेयरिंग आ रही तो भाई फास्ट तो मिलेगी। और यहाँ पर टच कंट्रोल, ये सब कुछ प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस आप कर सकते हो, साथ में ऐप का सपोर्ट आता है ना, तो आप कंट्रोल्स को चेंज कर सकते हो, मतलब आप प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। साथ में इक्वलाइजेशन मोड्स है, क्योंकि ऐप का सपोर्ट है तो वहां से आप चेंज कर पाओगे, बेस करना या फिर कम करना, ये सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। बैटरी आउटपुट की बात करूं तो 28 आवर्स का मिल जाता है केस के साथ, और जो कि काफी डिसेंट है, और ईयरबड्स भी लगभग 4-5 घंटे का आउटपुट आपको दे देते हैं निकाल के। और यहां पर एक चीज और है नोटिस करने वाली, वो ये है कि
गेमिंग मोड के नाम पे इन्होंने 88 ms लो लेटेंसी दे रखी है, जो कि मैं कहूंगा कि भाई बिल्कुल भी काम की नहीं होती। और गेमिंग तो क्या मतलब, आप म्यूजिक भी सुनोगे ना कहीं कहीं तो भाई ऊपर नीचे हो सकती है, एडिटिंग वगैरह के अंदर बिल्कुल काम में नहीं आएगी। साथ में यहाँ पर आपको IPX5 की रेटिंग मिलाती है और यहाँ पर आपको ENC वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और हाँ, माइक्रोफोन के अंदर जबरदस्त काम कर रखा है, AI बेस्ड जो माइक्रोफोन है ना वो यहाँ पर मिल जाता है, तो आप जिससे भी बात करोगे भाई उसको बहुत अच्छी क्वालिटी जाने वाली है ऑडियो की। एंड अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो भाई 1500 रुपए के अंदर ज्यादातर टाइम रहते ही है, कभी कभी 1200-1300 रुपए के आसपास में मिल जाते हैं। और इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मैं कहूंगा कि 1500 रुपए के अंदर ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी जो दूसरी प्रायोरिटी है वो है रियलमी के हैं Q2 नियो करके। अगर आपको वो स्टैम्प डिजाइन नहीं पसंद और आपको ईयरबड डिजाइन पसंद है तो मैं कहूंगा उसकी तरफ जा सकते हो, वहां पर एक दो फीचर इससे थोड़े से ज्यादा एडवांस आपको देखने मिलेंगे, साथ में उसकी जो बिल्ड डिजाइन है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो भाई अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, अगर आपको वो पसंद है तो वहां भी जा सकते हो, वहां पर भी माइक्रोफोन वगैरह की क्वालिटी काफी बढ़िया, ऑडियो क्वालिटी काफी जबरदस्त है, बस शेप और डिजाइन का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी प्राइसिंग आपको सेम ही मिलेगी, 100 रुपए के आसपास थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बाकी बेस्ट बाय जो लिंक है ना वो दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो अभी जो माइक्रोफोन का आउटपुट आप सुन रहे हो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्रिगर के क्रैकर ईयरबड से, यहाँ पर कुछ आउटपुट कुछ ऐसा आता है डोर के अंदर, जब भी आप इससे बात करोगे ना तो ये आउटपुट जाने वाला है क्वालिटी का। राइट, अब हमने स्विच कर दिया बोट की 141 नियो पर, तो ये इसका माइक्रोफोन का आउटपुट है। जब भी आप कॉलिंग की बात करोगे इंडोर के अंदर तो भाई ऐसा आउटपुट जाएगा कॉलिंग के दौरान। तो गाइस ये है इसके माइक्रोफोन का आउटफिट, इंडोर कंडीशन में यूज कर रहा हूँ, AC की हल्की फुल्की हवा अगर ये पकड़ पा रहा है तो ENC इसका ढंग से काम नहीं कर रहा, बाकी यहाँ पर कोई शोर वगैरह तो है नहीं, तो ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा और ये 1000 रुपए के अंदर कुछ ऐसा ही आउटपुट आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। यहाँ पर हमने स्विच कर दिया कॉल पर और यहाँ पर अब जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हैं ये इसके माइक्रोफोन की है, रियलमी टेक लाइफ बड्स T100 और ये इंडोर कंडीशन के अंदर देखो ऐसा माइक्रोफोन का आउटपुट आएगा। तो ये है इसके माइक्रोफोन का आउटपुट, जब कॉल आती है ना तो बहुत हल्की हल्की जो आपके फोन के अंदर रिंग लगी हुई ना वो भी यहाँ पर बजती है बहुत धीरे धीरे, तो आपको पता लग जाता है कॉल आती है। और ये इसके माइक्रोफोन का आउटपुट है इंडोर कंडीशन के अंदर, यहाँ पर आपको क्वाड माइक्रोफोन का सपोर्ट दे रखा है, तो आप देख लो आपको कैसे लग रहा है माइक्रोफोन का आउटपुट, मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, आपको कौन सा ईयरबड सबसे बेस्ट लगा और आपके अकॉर्डिंग कोई और ईयरबड है जो इस लिस्ट के अंदर ऐड हो सकता है तो जरूर बता सकते हो। बाकी ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।